हेलो स्टूडेंट आई एम कमला ठाकुर फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा इन दिस वीडियो आई विल बी सोल्विंग फ्यू क्वेश्चन ऑफ क्लास सेकेंड सब्जेक्ट एस एस टी चैप्टर सेकेंड चैप्टर नेम इज आवर बॉडी सो लेट्स स्टार्ट हाँ तो बच्चों इस चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर्स इट मींस छूटे हुए अक्षरों को लिखिए तो फर्स्ट में है बी ब्लैंक स्पेस एन ब्लैंक स्पेस एस तो इसमें दो मिसिंग लेटर्स हैं तो फर्स्ट में होगा ओ और सेकेंड में होगा ई e. तो अब ये वर्ड बन गया बोन्स नेक्स्ट में है बी ब्लैंक स्पेस ए ब्लैंक स्पेस एन तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में होगा आर और सेकेंड ब्लैंक स्पेस में होगा आई तो अब ये वर्ड बन गया ब्रेन नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट में है एच ब्लैंक स्पेस ए ब्लैंक स्पेस टी तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में होगा ई e, और सेकेंड ब्लैंक स्पेस में होगा आर तो अब ये वर्ड बन गया हाइट नाउ नेक्स्ट में है एल ब्लैंक स्पेस एन ब्लैंक स्पेस एस तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में होगा यू और सेकेंड ब्लैंक स्पेस में होगा जी तो अब ये वर्ड बन गया लंग्स एंड लास्ट में है एस टी ब्लैंक स्पेस एम ब्लैंक स्पेस सी एच तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में होगा ओ और सेकेंड ब्लैंक स्पेस में होगा ए तो अब ये वर्ड बन गया स्टमक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एक्टिविटीज विच विल बी डिफिकल्ट टू डू इफ वी डू नॉट हैव एनी बोन्स इट मीन्स वैसे दो एक्टिविटीज के नाम लिखिए जब आपके बॉडी में कोई बोन्स नहीं रहे वैसे तो बिना बोन्स के हमारा बॉडी ही नहीं बनेगा फिर भी दो एक्टिविटीज के नाम लिखने को कह रहा है तो इसका आंसर होगा विदाउट बोन्स वी कांट डू एनी थिंग टू ऑफ दोज एक्टिविटीज आर फर्स्ट प्लेइंग सेकेंड रनिंग So, I think it's enough for today. I will meet you again with another video.